हाय हाय, जो अमृत मशीन टूल से संजय अरसोरा। आइए आज हम देखते हैं, ये नया पैनल बोर्ड है और ये नया पैनल बोर्ड किस तरह का है। लिमिट स्विच निकाल के हमने सेंसर ले लिया है। आइए देखिए, ये लिमिट स्विच की जगह सेंसर लगाए हैं, यानी कि घर्षण कम हो और ये लंबे समय तक चल जाए। ओके, सबसे पहले ये स्विच ऑन करना है। ये इमरजेंसी है, इसको ऑन करते हैं, इसको घुमा के ऑन करते हैं। देखिए ये फंक्शन सब शुरू हो गए, ये लाइट भी आ रही है, ठीक है। और इस बटन से हम कंट्रोल करेंगे, ये लाइट है, ये ड्रिल पाना, ये यहाँ पर मेंशन भी किया हुआ है ड्रिल पाना, ठीक है, ड्रिल बिट्स। और यहाँ पर हम एक बार दूसरी बार दबाएंगे तो ये चला जाएगा टैपिंग पर। सबसे पहले देखते हैं हम ड्रिल बिट्स पे। ये ड्रिल बिट्स दिखाने से ये ड्रिल ऑन होता है। देखिए ये ड्रिल ऑन हो गया। ओके, ये कुछ भी सेंसर काम नहीं करेगा, ये भी काम नहीं करेगा, ठीक है। ये ऑफ करने के लिए यही बटन सेम ऑन एंड ऑफ। देखिए ऑन ऑन एंड ऑफ, ठीक है। ये हुआ हमारा ड्रिल के, ये ड्रिल यूज करने के लिए ये सेकेंड वाला, और ये पार्ट्स यहां पर लेना है तभी ये ड्रिल ऑन एंड ऑफ होगा। सेकेंड, यही बटन से ये लाइट यहां आएगी। देखिए अब हो गया टैपिंग का, ये काम करेगा सेंसर, ठीक है। सेंसर कैसे काम करेगा, ये हमने ले लिया, अब सेंसर ये ऑफ है, ठीक है। हाँ देखिए, जैसे नीचे आएगा सेंसर काम करेगा, और डिप गेज पे हमने ये उनका डिप मिलाना है। तो देखिए ये हो गया फॉरवर्ड, रिवर्स और फॉरवर्ड। ये जैसे ही ऊपर आएगा बंद हो जाएगा, और जैसे ही नीचे आएगा शुरू हो जाएगा। और इसका ये दूसरा बेनिफिट ये है, इसके अंदर टाइमिंग दिया है, तुरंत नहीं घूमेगा, माइन और हाफ सेकंड। देखिए झटका कम लगेगा, ये इसमें प्लस किया, ठीक है, ये ऑफ हो गया। और ये चलते चलते भी कभी भी हमको इमरजेंसी करना है या फिर टाप टू चाहिए तो ये भी फुट स्विच भी काम करेगा। देखिए ऊपर आने के बाद ये बंद हो जाएगा। इसका बेनिफिट ये है कि पावर सेविंग होगा, ठीक है। और अब आए सेकंड पर, सेकंड पर हम आने के तीसरा है, ये गया सेकंड, ठीक है, यानी कि फुट स्विच काम करेगा, ठीक है। ये फुट स्विच जैसे ही हमने ऑन किया ड्रिल हो जाएगा ऑन, ठीक है। बाद में ऑफ ऑन ऑफ, ये फुल स्विच काम करता है। और कभी भी आपको ऐसा लगे कि भी कोई बंदा फुल स्विच दबा के रख दिया, तो हमने ये लिमिट स्विच रखी है, जैसे ही नीचे पर आ जाएगा ऑटोमेटिकली ये घूम जाएगा, ठीक है। तो कभी भी एक्सीडेंट नहीं होगा, ये बेनिफिट है। लिमिट स्विच के साथ भी ये काम करेगा। हाँ, ये डीप गेज है, जैसे ही यहाँ पर आता है लिमिट स्विच के साथ, कोई बंदा भूल गया है कि भी मैंने दबाई हुई है, तो ये जैसे ही काम करेगा सीधा ओपन, ठीक है। ओके, ये हो गया। और दूसरा फंक्शन भी है इसके अंदर, कभी भी आपको ये ले लेते हैं वन पर यानी कि लिमिट पर, ठीक है। कभी भी काम करते करते कुछ भी एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, सीधा इमरजेंसी दब दो बंद, पावर सप्लाई भी बंद, ठीक है। और इमरजेंसी को ऐसे घुमाना है थोड़ा, और बाद में आ जाएगा ऑन, ठीक है। ऐसे थोड़ा घुमाना है और पुश ऐसे करना है, और ऐसे घुमा के ऑन हो जाएगा, ठीक है। और उसने दूसरे और फंक्शन है, ये है एलईडी बल्ब का है, ठीक है। और ये है ये एलईडी बल्ब का है, और ये कूलेंट पंप का है, ये एक्सटर्नल है, अगर आप बोलेंगे तो इसके अंदर सुविधा हम दे देंगे, ठीक है। जो भी हम करेंगे उसके अंदर लाइट भी जलेगी। देखिए ये किया हमें कूलेंट पंप का, तो ये लाइट यहाँ जल रही है,
ओके, ये हमें एलईडी बल्ब का, तो ये भी लाइट यहाँ जल रही है यानी कि ऑन है, ये ऑफ, ये ऑफ। और देखिए अभी जैसे ही रिवर्स या फॉरवर्ड होगा तो यहाँ पर ये लाइट जलेगी, देखिए जल गई। और अब जैसे ही फॉरवर्ड होगा ये दूसरी लाइट जलेगी। ये हमारा नया फंक्शन से काम किया है हमने, ये सब अपग्रेड किया है समय के साथ। ये इमरजेंसी कभी भी आप दबाकर ही ये ड्रिल बिट्स निकाले, जब भी आपको निकालना है तो इमरजेंसी दबा के ही निकालो, ये एक याद रखना है आपको। इमरजेंसी दबा कुछ भी काम करो, या पिन भी दबा करना है तो इमरजेंसी दबा के करो, ठीक है। सिंपल सा है, आपको तुरंत ही समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड फॉलो मी।